नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। ऐतिहासिक कर्णगढ़ के मैदान में समाजसेवी विजय यादव ने बीपीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। मातृभूमि की रक्षा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले नाथनगर के दिवंगत नायक भवेश भाई, प्रवीण भाई और सुमित भाई की स्मृति में आज भागलपुर के कर्णगढ़ सिटीएस मैदान में समाजसेवी विजय यादव के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिटीएस के प्रचार मिथिलेश कुमार, डॉक्टर एनके यादव, राजेश वर्मा, प्रीति शेखर, बंटी यादव, प्रशांत विक्रम, नाथनगर इंस्पेक्टर छज्जाद हुसैन, ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। आज उद्घाटन के सत्र में 2 मैच भी खेले गए। वहीं समाज सेवी विजय यादव ने बताया कि बीपीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। यह आयोजन 10 दिनों तक चलेगा। आज पहले दिन नाथनगर और लखीसराय के बीच मैच हुई, जिसमें नाथनगर के खिलाड़ियों ने लखीसराय को पछाड़ा और बाजी मारी। मौके पर खिलाड़ियों के साथ साथ काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। जी, आज जो है बीपीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये सेकेंड सीजन का आगाज था और आज जो है मैच का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में सारे अतिथिगण आए हुए थे और ये सोमेश प्रवीण और भवेश के याद में जो है, जो हमारे नाथनगर के तीनों सैनिक थे, इन्हीं के याद में इस टूर्नामेंट का जो है आगाज किया गया है और ये लगातार 10 दिनों तक चलेगा। ये 16 टीम है, 16 टीमों का खेल होगा। इसमें आज का खेल जो है नाथनगर और लखीसराय के बीच हुआ, जिसमें जो है नाथनगर की टीम में विजय